मैं आज आपको सिखा रही हूँ डबल चॉकलेट लावा केक। तो इसके लिए, और ये माइक्रो में बनाएंगे हम, 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चाहिए। मैंने बटर लिया है, इसमें 80 ग्राम बटर है, 80 ग्राम बटर है। और दूध मैंने हाफ कप दूध लिया है, ग्लास, हाफ ग्लास दूध लिया है। और इसमें एक अंडा जाएगा, 1 टेबल स्पून जो है इसमें एसेंस जाएगा, वनीला एसेंस। हाफ कप शुगर है, शुगर पाउडर ले लें या आइसिंग शुगर ले लें। और इसके अंदर जी 2 कप मैंने जो है इसके अंदर वो लिया है व्हीट, वो फ्लोर है, वाइट फ्लोर है, मैदा। और इसमें चॉकलेट का पाउडर है, कोको पाउडर, ये मैंने इसमें 4 टेबल स्पून लिया है। और हमारे पास 100 ग्राम इसके अंदर चॉकलेट डालेंगे हम बीच में ना, और बाकी ये इसके बीच में ये मिलाएंगे चॉकलेट पाउडर। तो ये इसकी केक की चीज़ें हो गई हैं। आइसिंग की शिकर चीज़ें दिखा देती हूँ मैं आपको। आइसिंग की चीज़ों में जी एक शुगर है हाफ कप, 4 टेबल स्पून इसके अंदर कोको पाउडर है, और 50 ग्राम इसके अंदर चॉकलेट है ऊपर गार्निश के लिए, और इसमें 100 ग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बटर है, बटर के अंदर मैं एग डाल रही हूँ। एग को पहले किसी चीज़ में निकाल लें, यह ना हो कि आपका वो ख़राब हो जाए। गंडा ले लिया हमने, आइसिंग शुगर चली गई इसके अंदर हाफ कप। मिक्स को मिक्स करते हैं, 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं। ये अच्छी तरीके से हमने 4-5 मिनट इसको बीट कर लिया अच्छी तरीके से, शुगर बटर और जो इसमें एग है होल एग है पूरा, तो वो हमने अच्छी तरीके से तीनों चारों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ। ये डाल दिया आपने, इसको अच्छी तरीके से बीट कर ले। दूध हमारे पास है, ये दूध डाल रहे हैं हम इसमें, हाफ ग्लास दूध है, मिल्क है, चला गया। कोको पाउडर है इसमें, वो डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से इन तीन चीज़ों को भी मिक्स कर लेते हैं, कोको पाउडर को और इन सबको। मिक्स करने के बाद अब आप देखें कि इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाऊंगी अपना। ये 2 कप्स ऑफ मैदा जो है ये इसमें डाल देंगे। सेल्फ रेजिंग फ्लावर है ये, बेकिंग के लिए हमेशा सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर देखें मैंने कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला। अगर इसके सेल्फ रेजिंग नहीं होता, सादा मैदा होता, तो मैं इसमें फिर बेकिंग पाउडर डालती 1.5 टेबल स्पून। लेकिन ये सेल्फ रेजिंग है तो हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है मैदा, मैदे में बेकिंग पाउडर। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा। मैंने हाफ ग्लास इसमें दूध डाला था, हाफ ग्लास मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे गाढ़ा लग रहा है। बस आपने दूध इतना डालना है कि आपकी जो थिकनेस है वो ऐसे लिक्विड जैसे हो जाए, जैसे रिबन की तरह आप उठाएं तो ये नीचे गिरे। इसमें और डाल देते हैं दूध और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से, दूध और सारी चीज़ों को। ये 1 ग्लास इसमें दूध चला गया। और मैदा आप कभी भी मैदे में मैं अगर बेकिंग पाउडर मिलाएं तो उसको छान लीजिएगा पहले ना, ताकि वो सब उसमें मैदे में मिल जाए बेकिंग पाउडर। आप अच्छी देखें इस टाइप का होना चाहिए, ये देखें इस तरह का, आप उठाएं तो ये रिबन की तरह ऐसे गिर रहा हो, ये इस तरीके से गिर रहा हो। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है सारी चीज़ें। अब मैं इसको अपने मोल्ड में निकालती हूँ जिसमें हम इसको निकालते हैं। ये मैंने इसके ऊपर बटर लगा लिया है, आपके जो आपने वो लिया हो जिसमें भी आप इसको बेक करेंगी मोल्ट आपका, तो उसमें आप इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से या बटर से, बटर से करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह हम सारा इसमें निकाल लेते हैं। अब मैंने ये देखें इसके अंदर निकाल लिया है अपने मोल्ट में ना, जिसमें भी आप बॉल में बनाएं उसमें निकाल के, फिर आप उसे मैं चॉकलेट्स को इसके ऊपर लगा देती हूँ ऐसे।
ये 100 मैंने ग्राम चॉकलेट ली थी। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी इसमें चॉकलेट डालेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी ज़्यादा चॉकलेट होगी ये ज़ाहिर उतना अच्छा बनेगा, रिच बनेगा। बच्चे शौक़ से चॉकलेट खाते हैं। माइक्रो में ये है कि कोई भी आपका गेस्ट आ रहा है तो बड़ी जल्दी ये बन जाएगा। बस चीज़ें आप इसी तरीके से पूरी लीजिएगा, ज़रा सा भी किसी चीज़ में वो हुआ तो फिर वो ख़राब होने का डर होता है। बेकिंग में ये है कि ऊँच नीच ज़रा सी भी ना हो। अब आपने इसको अंदर प्रेस कर देना, प्रेस लाइक दिस। ये हो गया, ऊपर से इसको बराबर कर देते हैं। माइक्रो प्रूफ हो आपका जो भी बर्तन में बना रहे हो, तो कोशिश यही करें कि ऐसा हो कि वो माइक्रो से कोई मसला ना हो। ठीक है, ऐसे करने के बाद अब मैं इसको माइक्रो में रखती हूँ। इसमें रख के 8 से 9 मिनट के लिए, हम 9 मिनट्स लगाते हैं। क्या है जी, 6 मिनट लगे हैं इसके अंदर और ये रेडी हो गया है। मैंने 8 मिनट का टाइम था, मगर मैंने चेक कर लिया था उसको 6 मिनट बाद। देखें आप कि ये कैसे अलग हो रहा है, इस तरीके से गर्म है। थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन आप ये नज़दीक से देखें कि मैं इसको यूँ करती हूँ तो ये अलग हो रहा है। तो थोड़ी देर से कूल डाउन होने लग देते हैं, फिर उसके बाद निकाल कर दिखाती हूँ। अब इसकी आइसिंग बना लेती हूँ। मैंने देखें जो केक हो, मैंने पहले इसके ऊपर रखा था इसको ठंडा होने के लिए। अब ये ज़रा नॉर्मल हो गया, ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन देखें आप कितना सॉफ्ट है। मतलब आप उंगली ऐसे करेंगे तो सॉफ्ट बन रहा है, हो गया ये। अब मैं इसकी आइसिंग बना रही हूँ। आइसिंग के लिए क्या करना है हमने, कि चॉकलेट जो मेरे पास है इसको मेल्ट करने के लिए हम 2-3 टेबल स्पून, 1-2-3 टेबल स्पून इसमें मिल्क डालते हैं, और डालने के बाद इसको मैं माइक्रो में इसको मेल्ट कर लेती हूँ। देखें चॉकलेट मेल्ट हो गई है इसके अंदर। जैसे मैं स्पून इसमें चलाती जाऊंगी ये ड्राई होती जाएगी। इसको अब हम क्या करते हैं कि अपने मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं आइसिंग शुगर में। 1/2 कप जो मैंने आइसिंग शुगर ली है उसमें डाल देते हैं। चीनी मैंने केक में कम रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि मैं ऊपर से जो आइसिंग शुगर से ही उसकी उसे गार्निश करना है हमें, तो इस तरह से ज़्यादा मीठा ना हो, बैलेंस में हो। आइसिंग शुगर और चॉकलेट को मिक्स करते हैं। मिक्स जैसे ही हो जाएंगे, वनीला एसेंस एकदम चमचा डाल देते हैं इसके अंदर। वनीला एसेंस चला गया इसमें, ये आइसिंग शुगर भी इसमें मिक्स हो गए और वनीला एसेंस भी। अब इसमें मैं जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर अब आप आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ हम इसलिए नहीं डाल रहे नहीं तो इसमें बबल्स बन जाएंगे और फिर ज़्यादा बैलेंस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इजीली वो मिक्सअप होती जाएंगी सारी चीज़ें। 4 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर चला गया, 1/2 कप शुगर है, 1 टी स्पून वनीला एसेंस है। सारी चीज़ें जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क डाला है, उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। हम मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पोर कर देते हैं। ये ठंडी होगी तो जम जाएगी। इसको पहले साइडों से वो कर लें, फिर बाद में बीच में से लाते रहेंगे तो वो नीचे होती जाएगी खुद ही, और ये जहाँ जाएगी वहाँ खुद ही उसे
चलो के सूख जाएगी, मतलब तो ड्राई हो जाएगी ये बाद में ना। सारे पैसे तो अच्छे थोड़ी सी इसके ऊपर मेरे पास चॉकलेट, बेशक बेशक आप इसको ऐसे रखें या ऊपर कोई फ्लावर लगा दें या कुछ गार्निश के लिए स्ट्रॉबेरी जेरी कुछ भी लगा लें, वरना अगर जैसे मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर चॉकलेट डाल के, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट शौक से खाते हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर ही मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, चॉकलेट के स्प्रिंकल्स हैं वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ ओनली फॉर गार्निश, वरना ये ऐसे ही सादा चॉकलेट के साथ भी अच्छा लगता है। और ये भी इसके साथ चिपक जाएगी क्योंकि इसके ऊपर हम डालेंगे तो ये सारी इसके साथ स्टिकी से पकड़ लेगी। ज़रूर बनाइएगा ये चॉकलेट केक, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें ताकि मुझे पता चल रहे कि आपको पसंद आ रही है वीडियोस, और थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।